ओके सो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट देखेंगे और अगेन uh, इसमें थोड़ी मैपिंग वगैरह इनवॉल्व होगा तो अपना एटलस वगैरह है वो थोड़ा सा खोल लेना उससे थोड़ा सा बेटर ये अंडरस्टैंड हो पाएगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीटी थ्री सिक्सटी फाइव विच इज इंटरनेशनल रिलेशन अब इसमें पहला देखो कुछ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है तो फर्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्वाड

अल्टीरियर मोड है मतलब जो कि स्पेसिफिकली लिखा नहीं है इसके जो चार्टर है उसके अंदर सो so, एक तो है कि चाइना का जो राइजिंग असर्टिवनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है एंड वैसे जो इसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसके फाउंडेशन डॉक्यूमेंट में दैट इज टू सपोर्ट ओपन फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक राइट ये इसका ब्रॉडर एम है और इसके अंदर डिफरेंट

इन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था जिसका थीम था अराउंड द पार्टनर्स फॉर इंडो पैसिफिक इसके अलावा क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल बनाया गया है, जिसके थ्रू जो चैलेंजेस है उन्हें एड्रेस किया जा सकता है राइट क्योंकि चाइना का काम यही है वो अनसस्टेनेबल डेट दे के कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा लेता है तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल बनाया गया है सिमिलरली क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क भी डिजाइन किया गया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है या जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है इन फेसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी उसे किया गया है. कि वो जो है, वो इन्वेस्ट करें जैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट क्वार क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज क्यू चैम्प याद रख लेना क्यू चैम्प ये बेसिकली क्वाड का क्लाइमेट चेंज अडेपेशन एंड मिटिगेशन पैकेज है इसके थ्रू जो क्लाइमेट एनर्जी क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के ऊपर जो कॉपरेशन है उसे बढ़ाया जाएगा राइट right? आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग देखो कॉमनवेल्थ सो ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर uh, हमारा जो कॉमनवेल्थ है उसको 75 फाइव ईयर्स कम्प्लीट हो गए राइट right? और uh, ये कॉमनवेल्थ बना कैसे था दैट यू शुड नो दैट दिस वॉज फॉर्म थ्रू द लंडन डिक्लेरेशन इसके थ्रू ये बना था सो यह बेसिकली एक वॉल्ट्री एसोसिएशन है कंट्रीज की जो कि पहले ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी राइट तो उनका ये ग्रुपिंग है और इनिशियली uh, फॉर्म कैसे हुआ था तो द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन पहले करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे ब्रिटेन और उसके डोमिनियंस, डोमिनियंस मतलब ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर जो कॉलोनीस थी जैसे ब्रिटिश इंडिया हो गया फिर म्यांमार हो गया एंड करीबियन नेशंस हो गए ये सब जो थे ब्रिटेन के कंट्रोल के अंडर थे so, इन सबने equal partner, equal, uh, तो इन एग्री किया विद उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ इस ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं और उसकी जगह कॉमनवेल्थ आ गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन राइट और दिस वाज अडॉप्टेड बाय द लंडन डिक्लेरेशन ऑफ और इसलिए नाइन इसको इसलिए फाइव इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है तो ये पता होना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर कंट्री जो है वो इंडिया है इस ग्रुपिंग के अंदर उसके अलावा जो सबसे छोटा कंट्री है वो नारू है आज हम नारू को भी देखेंगे मैपिंग के अंदर तो नारू इसके अंदर स्मॉलेस्ट कंट्री है इसके अलावा इसमें बाद में बहुत सारे कंट्रीज ने ज्वाइन किया जैसे मोजाम्बिक रवांडा गैबॉन टोगो राइट जिनका ब्रिटिश एम्पायर से कोई पार्ट कभी रहा ही नहीं उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया तो यह चीज थोड़ी सी पर्टिकुलर है और ये याद भी रखना चाहिए कि सिर्फ कंट्रीज जो कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी उनके अलावा भी ऐसी कंट्री जो कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी पार्ट नहीं रही वो भी इसमें ज्वाइन है राइट इसका जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट ये बेसिकली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस इंडिया में पीएम हो गए राइट एंड मोस्ट ऑफ दीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अडॉप्ट किया इसलिए यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम ही होते हैं सो so, वो मीट करते हैं रेगुलरली एवरी टू ईयर्स राइट तो ये इसमें पता होना चाहिए बाकी इसकी छोटी छोटी ग्रुपिंग्स है वो हमारा काम का नहीं है बस ये याद रखना कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट का है तो लंडन में है राइट और इसका काम ये है जो कॉमनवेल्थ जो नेशन है इनमें डेवलपमेंट हो इनमें यूनिटी बनी रहे राइट इन पर्पसेस के लिए ये ग्रुपिंग है वो काम करता है राइट और कई बार इन इस ग्रुपिंग में ऐसे नेशंस को बाहर भी किया गया है जहां पे प्रॉपर ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था राइट ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था तो ऐसी कंट्रीज को इसमें से बाहर भी निकाला गया जैसे रवांडा वगैरह कोई इसमें से बाहर निकाला गया तो ये पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन स ए एस ई सी सो प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन असम एज पर द एस ए एस ई सी कॉरिडोर कनेक्टिविटी अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बना था इन 2001 इन रिस्पॉन्स टू बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल रिक्वेस्ट फ्रॉम एडीबी एडीबी क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिक्वेस्ट किया गया था कि ये ग्रुपिंग बनाते हैं और इस ग्रुपिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए आप जो है कुछ लोन प्रोवाइड करो राइट right? सो so ये जो एडीबी है दैट सर्व एज द एस ए एसई सी सेक्रेटेरिएट तो ये वाली चीज याद रखना ये हमारा साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कारपोरेशन जो है इसका सेक्रेटेरिएट एडीबी के अंदर लोकेटेड है ठीक है So, इसका अभी ये जो प्रोजेक्ट्स है इसके थ्रू हम जो कनेक्टिविटी है साउथ एशिया के अंदर इंक्लूडिंग म्यांमार टू चाइना एंड एक्सेट्रा उन सब में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है और इसमें मेंबर कौन कौन है जिसमें बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव म्यामार नेपाल श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व है ठीक है तो ये सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है तो ये आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज करी थी फॉर दैट रीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डब्ल्यू के बारे में जानना अब डब्ल्यू जो है ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ठीक है और इसका काम ये था कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसे बढ़ाना ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी उनका या इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी उसका डेवलपमेंट हो सके राइट सो so, काम यह था कि हम डेवलपमेंट करें साथ साथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस भी रखें ठीक है कॉर्पोरेट्स काम करें वो अच्छी चीज है लेकिन उसके साथ साथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है बट ये एनुअल मीटिंग करता है जो कि डावोस स्विट्जरलैंड में होती है राइट डावोस मीटिंग सुनाई होगा आप लोगों ने आगे डब्ल्यू कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप एक रिपोर्ट निकालता है इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है राइट रिपोर्ट बट ये प्रोमिनेंट रिपोर्ट है जो कि आपको पता होनी चाहिए आगे चलते हैं कुछ भी लिए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जैसे कि एडिसन अलायंस एडिसन अलायंस स्टैंड फॉर एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क अलायंस तो इसका काम ये है कि जो गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको साथ में लाना जिसके थ्रू जो डिजिटल इंक्लूजन है वो एक्सेलरेट करा जा सके उसे तेजी से डिजिटली लोगों को इंक्लूड किया जा सके राइट एक इनका रीस्किलिंग re रेवोल्यूशन भी है व्हिच एम्स टू प्रोवाइड वन बिलियन पीपल विद बेटर एजुकेशन एंड स्किल्स बाय 2030 ऐसे ही इनका है ना वन ट्रिलियन ट्रीज भी एक इनिशिएटिव था ठीक है तो वो भी याद रख आगे चलते हैं इसके अलावा कुछ और ग्रुपिंग है जैसे फर्स्ट मूवर कोलिशन तो इसमें काम ये है कि हम जो ज्यादा पॉल्यूटिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि शिपिंग ट्रकिंग या ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल तो इन कंपनीज को नज करें कि वो कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे ये जो एमिशन है कार्बन का या कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके इन सेक्टर्स में ठीक है तो ये चीजें तो पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें पहला यूनाइटिंग फॉर कंसेंसिस मॉडल यूएफसी इसको इंडिया ने अभी क्रिटिसाइज किया था अब ये यूएफसी क्या है बेसिकली एक ग्रुप था जो कि नाइनटीन में फॉर्म हुआ था जिसे कॉमनली कॉफी क्लब के भी नाम से जाना जाता है अभी जो कॉफी क्लब है ये इंडिया के जो इंटरेस्ट है यूएनएससी के रिफॉर्म में उसके खिलाफ है मतलब तो इनके थोड़े से अलग एजेंडाज हैं यूएनएससी में रिफॉर्म को लेके सो so इनका मानना क्या है हमें एक्सपैंड करना चाहिए नॉन परमानेंट सीट्स को फॉर रीजनल इंक्लूसिविटी फिर नेक्स्ट अवॉइड करनी चाहिए न्यू परमानेंट सीट्स एंड लिमिट वेटो पावर राइट right? अब इंडिया का हम मानना ये कि हम हम भी एक सुपर पावर की तरह उभर रहे हैं तो हमें भी इसमें सीट मिलना चाहिए परमानेंट सीट बट ये कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं कि भाई परमानेंट सीट अब नहीं दो किसी को भी और जो वेटो पावर अभी चल रहा है यूएनएससी के पी फाइव के पास वो भी लिमिट होना चाहिए तो इस ग्रुपिंग में आपको कम आ, कंट्रीज देखने को मिलेंगी जैसे इटली टर्की पाकिस्तान एक्सेट्रा राइट right? तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान है तो डेफिनेटली इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ही जाएगा नेक्स्ट Uh, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी न्यूज में थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सी एस टीओ सो अभी इसमें से अर्मेनिया ने विड्रॉ कर लिया है राइट right? और uh, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी दिस इज कंसिडर्ड टू बी रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक जैसे नाटो है तो वैसे ये भी एक सिक्योरिटी ब्लॉक है सीएसटीओ नाम से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मॉस्को मौ, में है और इसमें मेंबर कौन कौन है तो फॉर्मर सोवियत नेशंस जो थे ठीक है वो सब इसमें मेंबर्स हैं सो यहां पे देख सकते हो अजरबैजान जॉर्जिया बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया था और अभी करेंटली इसमें सिक्स मेंबर है अर्मेनिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया तजिकिस्तान और बेलारूस अब इसमें से अर्मेनिया निकल गया तो इफेक्टिवली पांच ही ऑर्गन ये पांच ही कंट्रीज रह गई हैं राइट है। और ये जो था सी एस टी ओ दिस केम इन टू बींग बाय द ट्रीटी

नगर का नगर सर ये एक देखना है यहाँ पे उज़्बेक और तुर्कमेनिस्तान दो अ ट्रीटी वाज़ साइंड हियर दोनों ही नहीं है हम्म राइट सो ये चीज ध्यान देना अज़रबैजान और अर्मेनिया दोनों ही नहीं है अब इसमें पार्ट राइट रीजन क्या था अर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड है और अज़रबैजान जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है कंफ्लिक्ट चल रहा था नागार्नो काराबाग को लेके राइट right? काराबाग ये ऑल्डो माना जाता है कि दिस वॉज पार्ट ऑफ अजहरबाइजान ओनली लेकिन इस पे कंट्रोल जो था ये आर्मेनिया के जो क्रिश्चियंस थे उनका इस नागार्नो काराबाग रीजन में कंट्रोल था इफेक्टिवली तो फिर ये लड़ाई हुई उसमें अजरबैजान ने ये एरिया को कैप्चर कर लिया अभी जो आर्मेनिया है क्योंकि क्रिस् क्रिश्चियनिटी के चलते जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है है ना उससे भी इसके स्ट्रोंग लिंक बन जाते हैं राइट पहले सोवियत नेशन था इसकी वजह से भी लिंक थे और फिर जो आ, रिलीजियस एंगल है उसकी वजह से भी टाइज ज्यादा स्ट्रोंगर थे अजरबैजान को इस कंफ्लिक्ट में सपोर्ट किसने किया तो आपको बताना सिर्फ टर्की ने इसको सपेट, सपोर्ट किया इसमें ठीक है so, सो कायदे से इस लड़ाई में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में रशिया को आना चाहिए था उसे इंटरफेयर करना चाहिए था बट वो नहीं कर पाया आपको भी पता उसका रीजन था कि वो यूक्रेन के साथ पहले इन्वॉल्व था और इसलिए वो एक नया फ्रंट ऑफ वॉर नहीं खोलना चाहते थे भी या सपोर्ट करा था को। तो अगर वो इस कंफ्लिक्ट में कूदता तो डेफिनेटली टर्की भी कहीं ना कहीं उससे फेस ऑफ हो जाता फॉर दैट रीजन रशिया ने इस कंफ्लिक्ट में आने से अपने आप को दूर रखा और इस कारण आर्मेनिया को जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला ठीक है और फिर पे इफेक्टिवली असरबाईजान का पूरा कंट्रोल हो गया राइट एंड फॉर दैट रीजन उनको थोड़ा सा ह्यूमिलेशन वगैरह लगा कि टेरिटरी सारा चलेगा और रशिया सपोर्ट करने नहीं आया राइट right? और इसलिए इसने से इस सी एस टीओ में से विड्रॉ कर लिया ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम अभी ये वाला जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है आ, बस इतना याद रख लेना ये जो एस सी ओ का स्टार्टअप फोरम है इसका फोर्थ एडिशन था और ये न्यू डेली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अब ये जो इसके लिए एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन ड्यूरिंग द समरखंड समिट ऑफ द ओ राइट समरखंड आपको पता है उजबेकिस्तान में है और वहां पे ये समिट जो था ये स्टार्ट किया गया था और इसमें जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप है इसमें परमानेंटली जो है उसको इंडिया को चेयर बनाया गया ठीक है ठीके? तो ये वाला याद रख लेना स्टार्टअप और इनोवेशन के केस में इंडिया इज द चेयरपर्सन इन द स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर अब आगे हैं नेक्स्ट देखो इकोवास ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे सवाल आ जाएगा एक शायद सवाल डाला भी था मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर राइट तो इकोवास ये ऑर्गेनाइजेशन है इट स्टैंड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स राइट right? और अभी इसमें से तीन कंट्रीज ने विड्रॉ किया जिसके कारण ये इकोवास जो है न्यूज में आ जाता है बुरकीना फासो माली और निगर इन कंट्रीज ने इसमें से विदड्रॉ कर लिया है अब ये जो इकोवास है इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया अबूजा के अंदर है और ये बेसिकली फिफ्टीन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुपिंग था राइट right? अब उसमें से बुरकिना फासो माली और नाइगर इसमें से निकल गए हैं और आपको पता है ये यहाँ इन तीनों कंट्रीज में कु हुआ था और इसके बारे में यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा है

डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करे कॉपरेशन करें इंटीग्रेशन करें और जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उससे बढ़ाए राइट बट uh, ये रीजन में अभी ये जो है उससे कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है ये क्वेश्चन में आ गई साथ साथ आपको बताना चाहिए इन कंट्रीज में फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो था वो काफी स्ट्रांग था ठीक है फ्रेंच इन्फ्लुएंस uh, काफी स्ट्रांग था और इसी के रिटेलिएशन में ये जो uh, तीन कंट्रीज के अंदर जो कू हुए ना कहीं ना कहीं कही ये जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था उसको रिमूव करने के लिए कू हुए थे इन कंट्रीज में ठीक है so, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको इकोवास के बारे में पता होना चाहिए चलते नेक्स्ट देखो अफ्रीका क्लब सो अभी अफ्रीकन यूनियन ने एस्टैब्लिश किया है अफ्रीका क्लब एट इट्स थर्टी समिट अभी जो अफ्रीका क्लब है ये बेसिकली अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके जितने भी मल्टीलिटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका ग्रुपिंग है ठीक है तो वहां के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आएंगे साथ में काम करेंगे और कोलाबोरेट करेंगे टू एड्रेस द द इन ग्लोबल एंड कॉन्टिनेंटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ठीक है रिजन का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है साथ साथ जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में ये अफ्रीकन क्लब जो है काम करेगा ठीक है सो so, ये इसमें इतना डिटेल बताने से कि ये

हमारा जो मेनलैंड इंडिया है और उसका जो कनेक्टिविटी है विद द नॉर्थ ईस्ट राइट उसके लिए एक एडिशनल रूट या एक ऑल्टरनेट रूट तैयार करें अभी आपको पता है सपोज कैलकाटा से कोई सामान जाना है नॉर्थ ईस्ट में तो क्या होता है वो ऊपर ट्रैवल करता है वेस्ट बंगाल से फिर चिकन नेक कॉरिडोर में ट्रैवल करता है फिर आसाम से होते हुए डिफरेंट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें ट्रैवल करता है तो ये रास्ता बड़ा लंबा है एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस चिकन नेक कॉरिडोर तो ये जो डिपेंडेंस है इस रूट के ऊपर उसको ओवरकम करने के लिए एक ऑल्टरनेट चैनल हम लोगों ने बनाया सो so ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये हमें कोलकाता से आइजॉल तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा अब कालकाटा आपको पता है इनलैंड पोर्ट है यहां से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बेसिकली हुगली रिवर से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाएगा फिर वहां से वो ट्रैवल करेगा अप टू दित्वे पोर्ट सितवे पोर्ट याद रखना है कहाँ पे है म्यांमार में है ठीक है म्यांमार के अंदर ये पोर्ट है वहां से फिर ये कनेक्ट करेगा हमारे मिजोरम एरिया को और फिर आइजोल तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा तो अभी ये टॉपिक न्यूज में वापस इसलिए आया बिकॉज एक तरीके से सिविल अनरेस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल राइट तो वहां पे छोटे छोटे सेपरेटिस्ट ग्रुप पैदा हो गए जिनमें से एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने ये पाल्टेवा नाम का जो रीजन है इस पर कब्जा कर लिया अभी जो पाल्टेवा है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कालादान मल्टी प्रोजेक्ट का ठीक है तो ये याद रखना है अब एक और चीज ये नाम कालादान क्यों रखा गया इसका ठीक है कालादान इसलिए रखा गया बिकॉज से लेके जो पाल, जो रीजन है यहाँ पे कालादान करके रिवर फ्लो करती है तो इस रिवर के अलोंग ही हम लोग ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर थे वो बना रहे थे ठीक है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए अब आगे चलते नेक्स्ट देखो साउथ ईस्ट एशिया आप देखते हैं हम लोग सो यहाँ पे आपको दो दो या तीन चीजें हमें देखने एक तो गल्फ ऑफ

एग्रीकल्चर शॉर्टेज का सामना कर रहा है रीजन बीइंग यहाँ पे जो डेल्टा है मैकोंग का जो डेल्टा था राइट वहां पे जो सॉल्ट वाटर है उसका इनग्रेस हो गया या सॉल्ट वाटर इनडेशन हो गया इनडेशन मतलब ये वाला जो एग्रीकल्चर एरिया था आपको पता है डेल्टाज में बहुत रिच जो सॉइल होती है मतलब इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट काफी रिच होती है इसलिए यहाँ पे काफी कुछ ग्रो कर सकता है लेकिन अगर उधर नमकीन पानी आ जाता है तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है तो यही सेम इशू वियतनाम फेस कर रहा है यहाँ पे एक चीज याद रखना यहाँ पे एक टाउन है लाओस के अंदर लुआंग पाराबांग तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड एंड दैट इज फेसिंग थ्रेट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ठीक है तो याद रखना लाओस यहाँ पे आ, आगे चलते हैं मैकोंग रिवर के बारे में बात कर लेते हैं तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है इन द साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ तिब्बत उथ चाइना सी अब ये फ्लो कौन कौन सी कंट्री से करती है तो चाइना से करती है म्यांमार से करती है लाओस से करती है थाईलैंड से करती है कंबोडिया से करती है और वियतनाम से करती है ठीक है मैप में भी एक बार देख लेते हैं वन सेकेंड मैप देख रहे है ना यस सर ठीक है सो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ का थोड़ा सा रूम करेंगे तो ये जो सारा रीजन है हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन आ जाता है यहाँ पे कंट्रीज देख लो मैमार है राइट वा, वा, वन थोड़ा और जूम कर लेते हैं ठीक है तो ये मैपिंग वगैरह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये मैमार रहा राइट यहाँ तक जाता है राइट और आ, यहाँ पे थाईलैंड देख सकते हो राइट right? और ये यहाँ तक ट्रैवल करता है हम लोगों ने बात किया था दिस रीजन इज एन इस्थमस इस क्या नाम था इस्थमस का क्रा। क्रा। क्रा था ना याद रखना क्रा इस्थमस था फिर यहाँ पे आप कंबोडिया देख सकते हो यहाँ पे आप लाओस देख सकते हो ऊपर तो लाओस लैंडलॉक कंट्री ये चीज याद रखना राइट right? और ये वियतनाम है ठीक है सो ये जो मैकोंग है ये यहां कहीं से आपको ये रिवर देखने को मिलेगी लाओस से फ्लो करते हुए कंबोडिया कंबोडिया से ये वियतनाम में फ्लो करते हैं यहाँ पे इसके डेल्टा है जहाँ पे सॉल्ट वाटर हो गया ठीक है और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो इंडोनेशिया सो अभी इंडिया और इंडोनेशिया आर कॉमेमोरेटिंग द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेवेंटी फाइव ईयर हो गए और उसे हम सेलिब्रेट कर रहे थे अब ये जो मलेशिया है और सॉरी ये जो इंडोनेशिया कंट्री है ये बेसिकली एक आइलैंड आर्च पहले है मतलब नंबर ऑफ आइलैंड्स आप देख सकते हो जैसे हम लोगों ने बात भी किया था ये वाला आइलैंड जो है इट्स कॉल्ड सुमात्रा ठीक है सुमात्रा कहलाता है ये जावा कहलाता है ये बोर्नियो कहलाता है बोर्नियो के अलावा इसका नाम एक और कालिम तान कालिमतान भी कहलाता है ये पोपानियोगिया है ये सुलावेसी है राइट right? सो so, ये आइलैंड चेन है जिसका ये बना हुआ है और यहाँ पे तैमूर भी आता है ठीक है तो ईस्ट तैमूर जो है वो इंडोनेशिया में वेस्ट तैमूर लेते करके एक अलग कंट्री है ठीक है so, सो ये चीज याद रख लेना आगे चलते हैं और आपको पता होगा इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लिया पहले इसकी कैपिटल थी जकार्ता थी बडाबू से शिफ्ट करके ईस्ट कालिमतान में कर दिया ठीक है और यहाँ पे एक बहुत फेमस वालकैनो है कॉल्ड माउंट सिनाबॉम ठीक है ये याद रख लेना आगे चलते हैं नेक्स्ट गल्फ ऑफ टोंकिन तो गल्फ ऑफ टोंकिन बेसिकली चाइना और वियतनाम के बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे इसको गल्फ ऑफ टोंकिन बोलते हैं और चाइनीज में से बीबू गल्फ बीबू गल्फ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और अभी यूएन क्लॉस ने अपना जो गाइडलाइंस है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम बेस लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन द लिमिट्स टू द टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन जोन एक्सक्लूसिव आपको पता है नॉटिकल माइल्स तक लगता है ठीक तो है हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स है टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स अगर आप जाओगे तो वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उसमें अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो वही कंट्री करेगा राइट सो so, चाइना ने अभी ये जो काम किया है इसके थ्रू जो उसका अरेंजमेंट था विद वियतनाम राइट right? वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है क्योंकि वियतनाम का भी क्लेम है दोनों दोनों कंट्रीज कंट्रीज आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज के ऊपर ये गल्फ ऑफ टोंकिन जो है ये लगता है और ऐसे में चाइना का खुद से ही अपना बेस लाइन बना लेना वो कहीं कही ना कहीं जो ताइवान वियतनाम का जो क्लेम है उसको भी हैम्पर करता है राइट अब यहाँ पे बहुत से रिवर्स गिरती हैं जो के बारे में पता होना चाहिए जैसे रेड रिवर है विच एमटीज इनटू दिस गल्फ तो अगेन एक बार मैप में थोड़ा सा और बेटर तरीके से देख लेते हैं इसे ठीक है सो यहां पे आप देख सकते हो राइट ये है गल्फ ऑफ टॉमकिन ठीक है और यहां पे पैरास आइलैंड है ये पूरा जो है फिर साउथ चाइना सी में ओपन हो जाता है राइट तो ये आपको पता होना चाहिए एंड यहां पे हम लोगों ने पहले भी बात किया था यहां पे एक आइलैंड है राइट ये वाला इसका नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था आइलैंड है ठीक है सो ये वाली चीज इसमें बताना होना चाहिए कैपिटल इसका हाइकू है ठीक है आगे चलते हैं इंडोनेशिया वाला पार्ट तो आई थिंक दिखा हुआ है, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने बात किया था राइट तो ये वाला जो पार्ट है दि, दिस इज द इंडोनेशिया इसमें हम लोगों ने बात किया था कि ऊपर वाला जो है सुमात्रा है नीचे वाला जावा है और ये बोर्नियो है बोर्नियो के अंदर तीन कंट्रीज देखने को मिलेगी ये तो हो गया इंडोनेशिया ये हो गया मलेशिया और ये हो गया छोटा सा ब्रूनई राइट ये सुलावेसी हो गया ये तेमूर लेस्ते वेस्ट में अलग कंट्री है तेमूर और ये ईस्ट तैमूर जो है ये पार्ट है ऑफ इंडोनेशिया ठीक है थोड़ा और वेस्ट में जाओगे आप तो यू विल फाइंड यहाँ पे ये वाला जो आइलैंड है दिस इज कॉल्ड पापुआ न्यू गिनिया तो पापुआ न्यू गिनिया में भी अगेन ये जो आधा पार्ट है ये इंडोनेशिया का है ठीक है सो तो ये चीजें पता होना चाहिए अब वापस चलते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर नेक्स्ट देखो वेस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं तो so, इसमें पहला देखो ईरान कैपिटल है तेहरान और अभी इंडिया ने कंडेम किया है यहां पे कुछ एक्सप्लोजन हुए हैं कार्मन सिटी के अंदर तो जो एक्सप्लोजन से उसे इंडिया ने कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए था और इसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बताया है लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान आर्मेनिया टर्की और इराक के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है वॉटर बॉडीज की बात करें तो कैस्पियन सी गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ जो है उसको टच करता है ये राइट आई थिंक मैपिंग एक साथ ही देख लेंगे पहले जॉर्डन देख लो नेक्स्ट कंट्री जो न्यूज में था अब ये जॉर्डन न्यूज में इसलिए आया था बिकॉज यहाँ पे अमेरिकन जो ट्रूप्स है जॉर्डन के अंदर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुए थे अब जॉर्डन किस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो सीरिया के साथ इन द नॉर्थ इराक के साथ इन द ईस्ट सऊदी अरेबिया के साथ और इसराइल के साथ यहाँ पे जॉर्डन नाम की रिवर है और अल अकबा करके एक टाउन है जो कि गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है ये हम लोग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था नेक्स्ट ब्लू लाइन है अब ये ब्लू लाइन क्यों न्यूज में थी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसराइल और लेबनान के बीच में जो बाउंड्री है ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है राइट right? इनफैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इजराइल एंड लेबनान उसके थ्रू ये जो ब्लू लाइन है ये बना था अदरवाइज कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है और ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू बना था इन टू थाउजेंड ठीक है सो ये वाला याद रख लेना ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ब्लू बैरल्स करके एक पेडिस्टल्स या एक ऑब्जेक्ट्स लगा रखे ब्लू बैरल ब्लू जैसे और वो पूरा रन करते हैं फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द गोल्डन हाइट्स ठीक है so तो अब मैप में देख लेते हैं ये तीनों रीजन्स को हम लोग सो आई होप मैप विजिबल होगा लेट्स जूम आउट एंड ट्रेवल टू वेस्ट एशिया तो इस रीजन के अंदर हम लोग बात करें तो पहला देखो ये कंट्री है आपके लिए ईरान ठीक है तो ऊपर इसके यहाँ पे तुर्क मेनिस्तान है राइट तुर्क मेनिस्तान अफगानिस्तान ये पाकिस्तान राइट ऊपर जाओगे अजहरबाईजान आर्मेनिया टर्की यहाँ पे इराक है राइट तो ये कंट्रीज इससे बॉर्डर टच करती हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वाटर बॉडीज का बात किया तो यहाँ पे देख सकते हो पर्शियन गल्फ है नीचे गल्फ ऑफ ओमान है ऊपर यहाँ पे कैस्पियन सी है क्लियर तो ये कंट्रीज थी और यहाँ पे ये जो सिटी था कार्म। हाँ, कार्मिन सिटी याद रख लेना ठीक है तो वहां पे ये ब्लास्ट हुए थे एक बार यहाँ पे एक नटांस करके शायद न्यूक्लियर फैसिलिटी थी शायद उसके बारे में भी किसी एग्जाम में पूछा था राइट तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए और बाकी पोर्ट वगैरह तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं तो वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आगे चलते नेक्स्ट कंट्री देखो सो नेक्स्ट कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंट्री है जॉर्डन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे सो जॉर्डन क्यों न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे जो सीरिया के साथ जो बॉर्डर है यहाँ कहीं एरियल स्ट्राइक्स हुए थे अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर फॉर दैट रीजन दिस वाज इन न्यूज सो इसमें आप देखिए ये बॉर्डर टच करता है विद इजराइल इन द वेस्ट ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये सीरिया uh, के साथ इसका बॉर्डर टच होता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियन बॉर्डर है. Uh, है और इसके ईस्ट में इराक है और इसके साउथ ईस्ट में यू विल फाइंड सऊदी अरेबिया ये सऊदी अरेबिया कंट्री है uh, सऊदी okay, अरेबिया है एंड यहां पे हम लोगों ने देखा है गल्फ ऑफ अकाबा है यहां पे राइट तो ये वाटर बॉडी को टच कर रहा है दिस इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री गल्फ ऑफ अकाबा ठीक है गल्फ ऑफ अकाबा आगे किस में खुलता है तो so ये खुलता है आपका इन द the... में खुलता है रेड सी हम्म रेड सी क्लियर तो ये पता होना चाहिए आ, एक और चीज यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था सेनाई पेनेसुला है सेनाई पेनेंसुला में एक इम्पोर्टेंट सिटी है आई गेस आप देख पाओगे अभी सिटी का नाम है शर्मल शेख राइट जहां पे कॉप मीटिंग हुआ था तो याद रखना ये इस आ, गल्फ ऑफ अकाबा के आसपास लोकेटेड है ये सिटी ठीक है So, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अब नेक्स्ट हमारा जो प्लेस इन न्यूज था दैट वॉज द इजराइल लेबनान बॉर्डर तो जब हम इसराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ठीक है ये पूरा जो है यहां से यहाँ की जो लाइन है राइट अप टू गोल्डन हाइट्स ये गोल्डन हाइट है ठीक है ये वाला जो एरिया है जो कि आपको डॉटेड लाइंस में दिख रहा है दिस इज गोल्डन हाइट्स जो कि सीरिया के ऑक्युपेशन के सॉरी इसराइल के ऑक्यूपेशन के अंडर है पार्ट ये इनिशियली सीरिया का था बट नाइनटीन के जो वॉर हुआ था अरब इसराइली वॉर उसके अंदर इसराइल ने ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया था और ये वाला जो रीजन है दिस इज ब्लू लाइन तो याद रखना है ब्लू लाइन किसके बीच में डिमार्केशन है तो दिस इज इस बिटवीन इसराइल एंड लेबनान ठीक है तो ये चीज़ अपने को इसमें बताना चाहिए और ये दोनों कंट्री इज़राइल और लेबनान ये एक वाटर बॉडी को टच करती है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है अब वापस आते हैं पीडीएफ के ऊपर आगे चलते हैं ठीक है सो लेट्स मूव अहेड अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट uh, देखते हैं अमेरिकाज सो so, यहाँ पे देखो पहला देखो निकारा गोवा निकारा गोवा इसका कैपिटल है माना गोवा और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आता है ठीक है ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बट अगर एज अ रीजन बात करें तो सेंट्रल एशिया के अंदर आता है सो so, अभी एक निकारा गोवा बाउंड प्लेन था जो कि फ्रांस से फ्लाई कर रहा था और उसमें कुछ इंडियन से जिन्हें ले जाया जा रहा था तो उस प्लेन को रोक दिया गया क्योंकि उसमें अंदेशा था कि शायद इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू Uh, शायद यूएस में पहुंचाया जा रहा है ठीक है अब वो भी आगे देखेंगे क्यों वो निकारा गोवा जा रहे थे सो so, यहाँ पे निकारागुआ गोवा ये दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है पॉंडुरूस एंड कोस्टरिका इन द साउथ अब ये दो वाटर बॉडी को टच करता है करीबियन सी इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट ठीक है आगे चलते हैंक्स्ट uh, देखो चिले सो so, चिले रिकॉर्ड दिए वाइल्ड फायर और चले बेसिकली एक लंबा स्ट्रेच है एक कंट्री का ठीक है मतलब इसकी लेंथ या इसका सिर्फ लेंथ है इसका कोई विड्थ नहीं देखने को मिलेगा तो लंबा एक स्ट्रिप सा है जो कि पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशन के अलॉन्ग रन कर रहा है इसका कैपिटल जो है सेंटियागो है और ये दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है पेरू बोलीविया और अर्जेंटीना तीन कंट्रीज हैं ठीक है ठेके? और यहाँ पे फेमस माउंटेन रेंज है एंडीज वो यहाँ पे लोकेटेड है ठीक है सो ये आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो हेटी सो so, हेटी के अंदर अभी गैंग वायलेंस हुआ और उसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है उनके रेजिग्नेशन की डिमांड भी हो रही है सो so, ये जो हेटी है अगेन करीबियन आइलैंड ही है और इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो आइलैंड है ठीक है इसके अंदर हेटी भी है एक तरफ और इसके राइट साइड में डोमिनिकन रिपब्लिक है तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है करेबियन आइलैंड है और ये आइलैंड है ऑफ हिस्पेनियलो हिस्पेनियालो करके ये आइलैंड है और इसके ऊपर दो कंट्रीज है आधा कंट्री जो है इसमें डोमिनिकन रिपब्लिक है और बाकी आधा हिटी है क्लियर तो so, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक बार ये वाला रीजन को मैप पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा वन ठीक है सो लेट्स जूम आउट यहां पे चलते हैं ठीक है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया ये हमारे करेबियन नेशंस हो गए राइट तो ये वाला जो पार्ट होता है ये तो कहलाएगा करेबियन नेशंस ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा सेंट्रल अमेरिका राइट सेंट्रल अमेरिका और ये जो आइलैंड है ये करेबियन नेशंस कहलाता है बिकॉज यहाँ पे करेबियन सी लोकेटेड है दिस इज द करेबियन सी क्लियर अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे आइलैंड ऑफ हिस्पेनियलो ठीक है सो यहाँ पे इनिशियली ना स्पेनिश कंट्रोल था इसलिए स्पेनिश लैंग्वेज काफी चलती है इस रीजन के अंदर सो so, ये पता होना चाहिए ऊपर क्यूबा देख सकते हो राइट ये जमैका है जहां से उसेन बोल्ड आता है राइट एंड uh, टोबैको की हम लोगों ने बात किया था बार्बेडोज की हम लोगों ने uh, पहले बात किया है राइट right? यहाँ पे एक पोर्टोरिको करके आइलैंड है तो ये बता सकते हो कौन सी कंट्री के अंदर है पोर्टोरिको यूनाइटेड स्टेट यूएसए करेक्ट यूएसए के अंदर है बट ये कोई स्टेट नहीं है ये उनकी एक स्पेशल टेरिटरी कहलाता है राइट right? सो so, ये चीज याद होने चाहिए अपने को आगे चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ दिख रहा है ना सभी को ओके नेक्स्ट ग्रीन लैंड सो ये ग्रीन लैंड ऊपर नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे तो so, आपको ग्रीन लैंड एक बड़ा सा आइलैंड दिखेगा एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स ठीक है तो ये चीज पता होना चाहिए और ये बॉर्डर्स किस किसके साथ शेयर करता है तो यू शुड नो ये एक तो कनाडा है यहाँ पे पूरा ली right, कैनेडा इसके ईस्ट इस साइड में आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा और आइसलैंड से ये सेपरेटेड है बाय द डेनमार्क स्ट्रेट ठीक है अब आपको ये भी चीज बताना चाहिए ग्रीनलैंड जो है ये एक्चुअली डेनमार्क के जुरिडिक्शन के अंदर आता है बट ये एक सेल्फ गवर्न टेरिटरी है मतलब डेनमार्क का ऑल दो इस पे रूल जरूर है लेकिन यहाँ पे लोगों का सेल्फ रूल चल रहा है राइट right? और इसका टू थर्ड पार्ट जो है आर्टिक सर्कल के अंदर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे बायोम किस टाइप का है तो टुंड्रा बायोम यहाँ पे लोकेटेड है एंड आफ्टर एंटार्टिका सबसे बड़ा अगर आइस शीट कहीं पे है तो आइस शीट आपको ग्रीनलैंड के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है तो ये चीज पता होनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो डेरियन गैप तो डेरियन गैप जो है ये बेसिकली अः पनामा और जो कोलंबिया है उसके बीच में जो लोकेशन है उसको डेरियन गैप बोलते हैं ठीक है तो ये बेसिकली पनामा है ये वाला जो कंट्री है पनामा और आपको पता था ये भी एक गेन एक, एक इस्थमस है इस्थमेस ऑफ पनामा और यहीं पे पनामा कनाल भी बना हुआ है और यहाँ पे कोलंबिया है अब ये लोग आ, देखा गया कि ये जो डेरियन गैप है ये जो जगह यहाँ से ह्यूज अमाउंट में इलीगल माइग्रेशन हो रहा है लोग सउदर्न अमेरिका से या फिर जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि निकारा गोवा में प्लेन को पकड़ा तो निका निकारा गोवा का वो जो प्लेन था उसमें एक्चुअली इंडियन थे और वो इलीगली यूएस में जाना चाहते थे राइट right? तो उनको इस रस्ते पे लाया जाता है और यहां से फिर वो ट्रैवल करते हैं ऊपर नॉर्थ और एंटर कर जाते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है सो so, इसलिए वो निकारा गोवा जा रहे थे वो इंडियंस ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो इंडो पैसिफिक रीजन सो so, इसमें देखो पहले रिपब्लिक ऑफ नारू तो रिपब्लिक ऑफ नारू थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था ये कॉमनवेल्थ के अंदर है ये नारू तो रिसेंटली रिकॉर्ग किया है वन को। तो इनिशियली इन मतलब प्रिंस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसे हम लैंड चाइना के नाम से जानते हैं उसको रिकोगनाइज कर लिया है और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए क्लियर अब ये जो नारू आइलैंड्स है दीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ रीजन रीजन का नाम है माइक्रोनेशिया ठीक है तो माइक्रोनेशिया का पार्ट नारू कहलाता है और वॉटर बॉडी की बात करें तो पैसिफिक ओशन है एंड दिस लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है उसके नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे पॉपोर न्यूगिनिया है ठीक है उसके ईस्ट में आप कह सकते हो नारू लाई करता है ठीक है आगे चलते हैं ये सारे के सारे कोरल आइलैंड्स है तो आपको समझ सकते हो कोरल एटोल से ये बने हैं नेक्स्ट देखो यहां से इक्वेटर भी गुजरती है तो ये भी ध्यान रख लेना इक्वेटर भी गुजरता है बिकॉज आप देख सकते हो ये जो है ये इंडोनेशिया है और आपको पता ही है इक्वेटोरियल रीजन में आता है तो उसके बराबर में ही है तो यहाँ से भी इक्वेटर गुजरती है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो क्यूरल आइलैंड तो ये वाला थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं क्यूरल आइलैंड रीजन बींग यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था और ये जो रीजन है दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान ठीक है सो लेट्स चेक दिस आउट इन द मैप सो लेट्स जूम आउट आप यहां से भी ट्रेवल कर सकते हो क्या राइट सो ये रशिया है यहां पर आप देख सकते हो दिस इज जपैन यहां पर एक सी है जिसका नाम है सी ऑफ ठीक है सी ऑफ यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है ये पेनेंसुला है ठीक है इस पेनेसुला का को कोई नाम बता सकता है रशिया के अंदर ये पेनसुला है इज द नेम ऑफ दिस करेक्ट है राइट right? इसी का एक्सटेंशन है क्यूरे आइलैंड यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे एक बार मैं जूम कर देता हूँ ज्यादा बेटर दिखेगा ठीक है यहाँ पे सब देख पा रहे हो नाम लिखा भी है क्यूरियल आइलैंड तो ये जो है ये और अभी करंटली कंट्रोल किसका है तो रशिया का है राइट सो तो ये थोड़ा सा चीज इसमें याद रख ली आगे चलते हैं थोड़ा सा और आइलैंड्स को विजिट करते हैं सो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज जापान राइट यहाँ पे नीचे कुछ और हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं ठीक है मतलब ये काफी दूर है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये जो ताइवान है उसके आसपास पड़ जाता है ठीक है ये भी अगेन जापान के अंडर और ये डिस्प्यूट चल रही है चाइना और जापान के बीच में इसको लेकर ठीक है तो ये चीजें है जो कि पता होनी चाहिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो जापान कैपिटल टोक्यो है और ऊपर वाटर बॉडीज की बात करें तो ऊपर सी ऑफ ओखोत्स है फिर इसके वेस्ट में सी ऑफ जापान है राइट और इसके वेस्ट में सॉरी इसके ईस्ट इस में पैसिफिक ओशन है क्लियर बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ चाइना है और कोरिया के कोरियन पेनिसुला पड़ जाता है जहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है राइट तो ये सारे आइलैंड्स है जो कि इसके आसपास पड़ते हैं नीचे यहाँ पे ताइवान देख सकते हो एंड दिस इज अगेन वर्लकैनिक आईलैंड चेंज है और सरकम पैसेफिक रिंग ऑफ फायर कैंडर आता है यहाँ का जो हाइस्ट माउंटेन है दैट इज द माउंट फूजी और यहाँ पे रिवर है शिनानो ठीक है ये यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है तो ये पता होना चाहिए नेक्स्ट चलते किनमेन आइलैंड या क्यूमोई आइलैंड तो ताइवान ने अभी अर्ज किया है चाइना को दैट दे शुड नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ किनमेन आइलैंड तो किनमेन आइलैंड जो है ताइवान अपना पार्ट कंसिडर करता है लेकिन चाइना जो है इनका स्टेटस जो है वो बदल रहा है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो इस इसमें आपने यूल फाइंड ये ताइवान है ये मेन लैंड चाइना है इसके बीच में ताइवान स्टेट पड़ता है और यहाँ पे एकदम मेन लैंड चाइना के पास ये क्यूमोई आइलैंड या किनमेन आइलैंड है जिसे आप चाइना अपने कंट्रोल के अंडर कर रहे हैं ठीक है तो ये याद रख लेना आगे चलते हैं नेक्स्ट यूरोप पे आते हैं सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कंट्री डेनमार्क कैपिटल कोपन हैगन है राइट right? यहाँ पे देख सकते हो आईलैंड से और uh, किसके साथ बॉर्डर टच करता है जो जर्मनी के साथ डायरेक्टली बॉर्डर टच करता है ये पेनेंसुला है ठीक है इस पेनेसुला का नाम क्या है तो याद रखना जटलैंड है इसका नाम नॉट जाटलैंड जटलैंड ठीक है तो ये याद रख लेना इसके अलावा जर्मनी स्वीडन नॉर्वे इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है ऊपर ये कंट्रीज आ जा जाती है स्वीडन और ये नॉर्वे अब ये तीन कंट्रीज एक साथ हो जाती है तो इन तीन कंट्रीज के ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं ये कुछ बेसिक चीजें जो पता होना चाहिए ये न्यूज में क्यों था बिकॉज यहाँ की जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुनाक थी क्वीन मार्गरेट उन्होंने एपडिकेट कर दिया थ्रोन से एपडिकेट मतलब रिजाइन कर दिया अपने थ्रोन से अब उनके आगे जो सक्सेस है वो संभालेंगे इसको ठीक है यहाँ पे नॉर्थ सी पड़ता है इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में बाल्टिक सी पड़ता है आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री देखो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है ठीक है और अभी इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में 16 साल की नेगोशिएशन के बाद एफटीए साइन हुआ इसलिए ये न्यूज में आ जाता है तो इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। वन सेकेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया हमारा यूरोप राइट right. अब हमें स्विट्जरलैंड देखना है तो स्विट्जरलैंड आप देख सकते हो दिस इज स्विट्जरलैंड ठीक है यहाँ से ज्यादा बेटर दिखेगा राइट सो दिस इज स्विट्जरलैंड यहाँ पे जिनेवा है ऑल दो जिनेवा इसका कैपिटल नहीं गापितल इसका है कैपिटल जूरिज है बट बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिस यहाँ बना रखे हैं राइट सो ये पता होना चाहिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा है छोटा सा एक ब्लॉक बना हुआ है One second. ये वाला ये कंट्री है लाइकेस्टाइन और आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे कौन सी कंट्री है जो कि डबली लैंडलॉकड है तो उसमें लाइकस्टाइन और दूसरा कंट्री कौन सा था उज़्बेकिस्तान ठीक है तो ये एडिशनल चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए आ, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे सो हम लोगों ने देखा इसके आ, वेस्ट में फ्रांस है इसके ऊपर यहाँ पे जर्मनी है इसके ईस्ट में ये वाला जो कंट्री है लाइकस्टाइन है ये वाला जो कंट्री है ऑस्ट्रिया है राइट और ये वाला जो कंट्री है इटली है तो इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे एक नदी भी है राइट बहुत फेमस रिवर है देख लगते हो यहाँ पे राइन रिवर ये देखो ना ये लिखा हुआ है राइन रिवर राइट सो राइन रिवर कैसे फ्लो करती है ठीक है ये यहां से ऊपर से चालू होती है एंड hmm. ये ट्रेवल करता करता यहाँ से इट फॉल्स इन टू द नॉर्थ सी ठीक है तो ये याद रख लेना राइन रिवर यहाँ से निकलती है नॉर्थ सी के अंदर ठीक है फिर इसके अलावा एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है यूरोप की आपको राइन रिवर के बारे में आइडिया होना चाहिए इससे पहले हम लोगों ने यूरोप की एक नदी देखी थी इन द यूक्रेन रीजन नाम याद है यूक्रेन में नाइपर हाँ करेक्ट तो ये वाला जो नदी दिख रहा है ना ये वाला ये नाइपर रिवर है ठीक है डी से स्टार्ट होता है नाइपर फिर ऐसे डी से बहुत सारी और नदियां हैं यहाँ पे जैसे कि एक नदी है इसके अलावा कॉल्ड डनूबे ठीक है डेन्यूब रिवर तो उसका आइडिया है वो कहाँ से फ्लो करती है डेन्यूब रिवर तो ये देख लेना ये बेसिकली रानी और इन कंट्रीज से फ्लो करती है ये वाली रिवर राइट यहाँ पे शायद हम देख भी सकते हैं यूक्रेन में तीन नदियां फ्लो करती हैं आई गेस हम्म बताओ और कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट नाइस्टर है नाइपर है और डेन्यूब शायद तीन ये तीन तो ये बेसिकली ये रोमानिया से होती हुई ये यहाँ पे जो ओडेसा ये पोर्ट है ना यहाँ पे उसका डेल्टा बनता है का ठीक है तो ये याद रख लेना रिवर कौन कौन सी देखी हम लोगों ने इस रीजन में एक हम लोगों ने सबसे पहले जो देखी थी वो राइन रिवर देखी थी स्विट्जरलैंड से जारी चलकर वो जर्मनी से जर्मनी और नीदरलैंड में होते हुए फिर नॉर्थ सी में गिर जाती है और यहाँ पे हम लोगों ने इन यूक्रेन रीजन हम लोगों ने नाइपर रिवर देखी डेनेस्टर देखी और डेन्यूब देखी ठीक है तो ये रिवर्स के नाम थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए क्लियर अब आगे चलते हैं वापस आते हैं पीडीएफ के ऊपर नेक्स्ट देखो ग्रीस सो तो ग्रीस और इंडिया के बीच में अभी एग्रीमेंट हुए हैं टू तो एक्सपैंड कॉपरेशन इन डाइवर्स एरिया अब ग्रीस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो ये आपको पता होना चाहिए अल्बानिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है मैसेडोनिया के साथ शेयर करता है बुल्गारिया के साथ करता है और यहाँ पे एक और कंट्री है कॉल टर्की ठीक है अब ये पानी के अंदर दो वाटर बॉडीज हैं जिसको टच करता है एजियनसी यहाँ पे आयनियन सी ठीक है और इसके डाउन साउथ में मेडिटेरेनियन आ जाता है राइट एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द बाल्कन रीजन तो अगेन एक और रीजन हमारे लिए फेमस हो जाता है बालकन वाला ठीक है आपने वर्ल्ड वॉर अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा बालकन कंट्रीज के बारे में सो so, ये वाला जो रीजन है राइट दिस रीजन इज नोन एज द बाल्कन रीजन राइट तो ये बालकन था इससे पहले हम लोगों ने एक रीजन देखा था बाल्टिक रीजन तो so, बाल्टिक आपको याद होगा तीन कंट्रिया थी उसमें एस्टोनिया लाटविया और लिथुवेनिया ये बाल्टिक नेशन है बिकॉज यहाँ पे बाल्टिक सी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना बाल्कन मतलब ये नीचे वाला एरिया जिसमें आपका ग्रीस बुल्गारिया और ये सब कंट्री आ जाएंगे और बाल्टिक मतलब एस्टोनिया Lit और लिथुएनिया, ठीक है सो ये चीजें अपने को याद रखनी है रीजन आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो आइसलैंड कैपिटल रेजविक और यहां पे एक वॉलकैनो अभी रिसेंटली एक्सप्लोर हुआ था सो so, ये एक आइलैंड कंट्री है विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन इसके नेबर्स की बात करें तो ग्रीन लैंड जो है इसके नॉर्थ uh, वेस्ट में पड़ता है फिर नॉर्वेजियन सी है जो इसके ईस्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशन इसके साउथ में है और डेनमार्क स्टेट इसके नॉर्थ वेस्ट में है ठीक है यहाँ पे और ये पार्ट है नॉर्डे कंट्रीज का नॉर्डिक कंट्रीज में आपको पता है पांच कंट्रीज आती है डेनमार्क फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन एंड आइसलैंड ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो कैथलोनिया कैथलोनिया के अंदर अभी आ, प्रोटेस्ट चल रहे थे राइट और इनफैक्ट एक और जगह है पॉल न्यू कैलिडोनिया ये किसी को पता है कहाँ है स्पेन नहीं कैथलोनिया जो है वो स्पेन में हाँ कोई बोल रहा था वापस पॉसिबल क्वेश्चन फ्रांस के टेरिटरी है न्यू कैलिडोनी तो ये प्रोटेस्ट च करेक्ट पैसिफिक ओशन टेरिटरी ऑफ फ्रांस राइट वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है आजादी के लिए कैटेलोनिया में भी चल रहा है बट कैटेलोनिया ऑफ स्पेन का पार्ट है ठीक है और यहाँ पे अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज यहाँ पे ड्रॉट भी आ रखा था अभी जो कैटेलोनिया है ये बॉर्डर शेयर करता है विद फ्रांस ठीक है और बाकी स्पेन के अंदर तो ये है ही नीचे वाटर बॉडीज की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है तो ऑटोनॉमस रीजन है स्पेन का और दिस इज लोकेटेड इन द इबेरियन पेनिसुला ठीक है इबेरियन पेनिसुला के अंदर बात करें तो कौन सी और कंट्री आती है अपार्ट फ्रॉम स्पेन इबेरियन पेनिसुला में पोर्टुगल भी आता है ठीक है अगर यहाँ पे मैप दिखेगा तो ठीक है मैं नहीं आगे देख लेंगे तो ये स्पेन जो है ये इबेरियन पेनिसुला में आता है ये होना चाहिए आगे चलो बाल्टिक सी देख लिया हम लोगों ने सो so अभी रशिया ने एक्यूज किया यूक्रेन को ऑफ अटैक ऑन द गैस टर्मिनल द सी ऑफ द उस्तलुगा ठीक है सो ये वाला जो रीजन है बाल्टिक सी हम लोगों ने देख लिया और यहाँ पे वॉटर बॉडीज की बात करें बाल्टिक सी के अंदर तो विस्टूला और ऑर्डर रिवर जो है इसमें गिरती है और ये यंगेस्ट सी है ऑन द प्लानट ठीक है आगे चलते नेक्स्ट देखो हंगरी हंगरी है एक लैंड कंट्री बॉर्डर टच करता है स्लोवाकिया के साथ ऊपर यूक्रेन के साथ ईस्ट में रोमानिया डाउन साउथ साइबेरिया क्रोशिया वेस्ट में स्लोवेनिया ठीक है और एकदम वेस्ट में इसके ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया यूक्रेन रोमानिया सर्बिया क्रोशिया एंड स्लोवेनिया इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है एंड हंगरी के अभी पार्लियामेंट ने रिसेंटली अलाउ किया टू और ये खुद भी नीटो का पार्ट है और शेयर करता boundary with these country, these countries, है और यहाँ पे आ, काफी अच्छा जो है वेजिटेशन की बात करें तो ग्रास लैंड लोकेटेड है ठीक so, है सो ग्रास लैंड है यहाँ पे जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तो बोलते ने ने क्या बोलते हैं पोस्टास हाँ पोस्टास बोलते हैं को माइंड मत करना ठीक है आ, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री स्वीडन सो स्वीडन अभी थर्टी सेकेंड मेंबर बन गया है ठीक है नाइटो में बत्तीस मेंबर है थर्टी सेकेंड स्वीडन है इससे पहले इसने इससे पहले कौन सा कंट्री ज्वाइन हुआ था तो फिनलैंड हुआ था वो पता होना चाहिए बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ बॉर्डर टच करता है ठीक है और मैरीटाइम बॉर्डर में बात करें तो डेनमार्क जर्मनी पोलैंड रशिया लिथुआनिया लाटविया एस्टोनिया इनके साथ शेयर करता है बाल्टिक सी पड़ता है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया पड़ता है ये वाला गल्फ ऑफ बोथनिया है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो कंट्री बेलारूस बेलारूस का कैपिटल मिंक्स है और यहाँ पे जो फॉरन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया बेलारूस का बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है विद बाल्टिक नेशन लाटविया लिथुनिया फिर इसके वेस्ट में पोलैंड है डाउन साउथ इसके यूक्रेन है और इसके ईस्ट इस में रशिया है राइट तो so याद रख लेना बाल्टिक नेशन में बस एक कंट्री है एस्टोनिया वो इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है बाकी जो दो बाल्टिक नेशन है वो बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और लैंडलॉक कंट्री है आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री देखो बुल्गारिया कैपिटल है इसका सोफिया ब्लैक सी की तरफ खुलता है ईस्ट में ऊपर नॉर्थ में इसके रोमेनिया है इसके वेस्ट में सर्बिया है डाउन साउथ इसके नॉर्थ मैसेडोनिया है और नीचे इसके ग्रीस और टर्की पड़ता है ठीक है इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है बालकन पेनसुला के अंडर आता है तो ये सब चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए और रिवर्स की बात करें तो इसमें से डेनूब रिवर होके गुजरती है और यूक्रेन में जाके वो ब्लैक सी के अंदर गिर जाती है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री देखो अल्बेनिया अल्बेनिया एक छोटा कंट्री है लोकेटेड क्लोज टू इटली है ना और कैपिटल है इसकी एना और इन्होंने अभी एम्बेसी खोली है इंडिया के अंदर राइट उंसमेंट यह है कि इंडिया के अंदर एम्बेसी खोलेंगे इसके बाउंड्रीज की बात करें तो डाउन साउथ इसके ग्रीस है फिर ईस्ट में नॉर्थ मैसेडोनिया ऊपर कसोवो एंड ऊपर नॉर्थ में मॉन्टीनिग्रो ये कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है वाटर बॉडीज की बात करें तो एडियार्टिक सी में खुलता है और आइनियन सी के अंदर खुलता है, है एडियार्टिक सी ऊपर है आइनियन सी थोड़ा सा नीचे है राइट right? ग्रीस के ईस्ट में कौन सा सी पड़ता है ये बताइए ये ग्रीस है इसके ईस्ट में ये वाले रीजन में कौन सा सी आता है हम्म करेक्ट एजियन। तो ऐसे थोड़ा मेंटल मैपिंग करते रहो अपने दिमाग में इन सब चीजों की तो पेपर में दिक्कत नहीं होगा ठीक है आज के लिए फिर यहीं पे एंड करते हैं और भी है इसके अंदर पार्ट ये बाकी सारा जो है हम कल देखेंगे अफ्रीका वाला अभी तक जो पढ़ा उस पार्ट में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन ठीक uh, है चलो गई आज के लिए यही एंड करते हैं uh, कल बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन वाला वो आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक और uh, वो प्रॉब्लम कौन सा होगा ठीक है बायोलिट्रिलेशन हो जाएंगे इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी हाँ फिर आई थिंक इकोनॉमी तो मुश्किल है बिकॉज इन्होंने काफी सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस भी जोड़ दिए वो भी देख लेंगे बट अगर हो गया तो फिर इकोनॉमी भी चालू कर देंगे ठीक है थीके? तो चलो फिर आज के लिए ये एंड करते हैं थैंक यू फॉर जॉइनिंग गुड नाइट गाइस बाय